सीएम के व्यवस्था परिवर्तन के दावों के बीच हिमाचल के अस्पतालों में कृष्णा लैब द्वारा टेस्ट बंद किया जाना चर्चा में। कृष्णा डायग्नोस्टिक मैनेजमेंट के अनुसार सरकार द्वारा कई माह की पेमेंट न किए जाने के चलते आज बंद किया काम। प्रदेश के मेडिकल कॉलेज व हॉस्पिटल में पैथोलॉजी टेस्ट व एक्सरे आदि न होने से हजारों मरीजों को झेलनी पड़ी परेशानी। काफी अरसे से स्वास्थ्य संस्थानों के कृष्णा लैब पर निर्भर होने के चलते सरकारी लैब आधे मरीजों की भी टेस्टिंग की हालत में नहीं। पूर्व सीएम जयराम ठाकुर बोले, मरीजों के स्वास्थ्य व जिंदगी से खिलवाड़ कर रही है सुक्खू सरकार। संस्थान बंद करने व अधूरी गारंटी के बाद विपक्ष को मिला प्रदेश सरकार के खिलाफ एक और बड़ा मुद्दा। रिपन हॉस्पिटल के एमएस डॉक्टर लोकेंद्र शर्मा के मुताबिक, सरकारी लैब में टेस्टिंग जारी होने के चलते मरीजों को नहीं हो रही है ज्यादा परेशानी। हिमाचल की कांग्रेस अध्यक्ष सुखविंदर सुक्खू सरकार द्वारा सत्ता संभालने के बाद वर्ष 2023 के शुरुआती दिनों में जहां 1000 से अधिक संस्थान बंद किए गए, वहीं 24 की शुरुआत में अब विभिन्न हेल्थ इंस्टीट्यूट अथवा हॉस्पिटल में कृष्णा लैब द्वारा मरीजों के टेस्ट बंद किया जाना चर्चा में है। राजधानी शिमला सहित प्रदेश के सभी जिलों अथवा क्षेत्रों में कृष्णा लैब द्वारा आज अचानक काम बंद किए जाने से हजारों मरीजों को परेशानी झेलनी पड़ी और टेस्ट न होने से कईयों का इलाज रुक गया। कृष्णा लैब के एम्प्लॉयज अथवा मैनेजमेंट के अनुसार सरकार द्वारा 7-8 माह की पेमेंट अथवा सब्सिडी जारी न किए जाने के चलते काम बंद किया गया और इससे पहले विभाग व स्टेट गवर्नमेंट को नोटिस भी जारी किए गए थे। लैब मैनेजमेंट के अनुसार कल तक जो टेस्ट हुए थे उनकी रिपोर्ट हालांकि जारी की जा रही है, मगर किसी भी नए मरीज के सैंपल आज नहीं लिए गए। गौरतलब है कि पिछले काफी अरसे से विभिन्न स्वास्थ्य संस्थानों में टेस्टिंग संबंधी काम कृष्णा लैब द्वारा किए जाने के चलते अस्पतालों की अपनी प्रयोगशालाएं ना के बराबर काम कर रही थी, जिसके चलते जानकारों के अनुसार सरकारी लैब आधे मरीजों के भी टेस्ट करने में सक्षम नहीं है। राजधानी शिमला सहित प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में टेस्ट बंद होने से मरीज व तीमारदार परेशान रहे और इस संकट को लेकर सीएम अथवा स्वास्थ्य मंत्री का बयान अब तक सामने नहीं आया है। रिपन हॉस्पिटल के एमएस डॉक्टर लोकेंद्र शर्मा ने कहा कि उनके इंस्टीट्यूट की सरकारी लैब चालू हालत में है और आज पहले दिन मरीजों को खास परेशानी नहीं हुई। विभाग अथवा सरकार का पक्ष रखते हुए उन्होंने कहा कि एसेंशियल सर्विसेज को देखते हुए कृष्णा डायग्नोस्टिक्स को अचानक इस तरह सैंपल लेना बंद नहीं करना चाहिए था और सरकार अथवा विभाग के साथ चल रहा उनका इशू जल्द सुलझाए जाने के प्रयास हाई लेवल पर हो रहे हैं। उधर नेता प्रतिपक्ष एवं पूर्व सीएम जयराम ठाकुर ने कहा कि व्यवस्था परिवर्तन के दावे करने वाले मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने साल भर में सूबे की चली चलाई व्यवस्थाओं का कबाड़ा कर डाला है। प्रदेश सरकार पर उन्होंने मरीजों की सेहत अथवा जिंदगी से खिलवाड़ करने के आरोप लगाते हुए कहा कि ऐसे गंभीर विषयों पर सरकार की लापरवाही अथवा चुप्पी दुर्भाग्यपूर्ण और संवेदनहीनता है। बहरहाल प्रदेश की कांग्रेस अथवा सुक्खू सरकार द्वारा साल भर में 1500 के करीब संस्थान बंद किए जाने, महिलाओं को पेंशन व 1,00,000 नौकरियां फर्स्ट कैबिनेट में न दिए जाने, आउटसोर्स कर्मचारियों को नौकरी से निकालने तथा पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ाने जैसे मुद्दों को सड़क से सदन तक जोर शोर से उठा रही भाजपा अथवा विपक्ष को अस्पतालों में टेस्ट बंद होने से एक नया मुद्दा मिल गया है और जल्द मामला न सुलझने की सूरत में मरीजों की परेशानी भी कई गुना बढ़ेगी। सर एक्चुअली में हमारी जो पेमेंट है वो अभी ड्यू है, गवर्नमेंट ने अभी उसको दिया नहीं है, तो दैट्स व्हाई वी आर नॉट टेकिंग द एनी सैंपल्स फ्रॉम द पेशेंट। सर ये काफ़ी हमारा भी काफ़ी पेमेंट बचता है जो अभी गवर्नमेंट ने अप्रूव नहीं किया है। कि शिमला में ही परेशानी है और ऑल हिमाचल का है सर? ये ऑल हिमाचल में? यस सर। तो आज के दिन सेवाएं बंद है? यस सर, हमारे को पीछे मैनेजमेंट से ऑर्डर आया है कि आज कोई सैंपल भी नहीं दिया जाएगा और वैसे रिपोर्टें हम कंटिन्यूसली दे रहे हैं। सैम्पलिंग तो सर सुबह से स्टार्ट हो जाती है, नियर अबाउट 9:30 से स्टार्ट हो जाती है ये, 9:00 से एंड शाम तक रहती है सर 5:00। कौन कौन से टेस्ट जो हैं वो आपके पास रहते हैं? मैक्सिमम ऑल ही टेस्ट रहते हैं सर, ऑल टेस्ट तमाम तरह के। हाँ कोई होता है दो, मतलब 5 to 5 नियर अबाउट 5-6 टेस्ट ऐसे हो गए जो हमें बाहर भेजने पड़ते हैं, अदरवाइज सारे टेस्ट हमारे पास ही होते हैं। पूरे हिमाचल का सर आज के लिए तो पूरा हिमाचल बंद है। हाँ और कल का भी डिसाइड नहीं हुआ है मे बी, तो अभी तक जो हमारे मैनेजमेंट के ऑर्डर आए वो आज के लिए आए हैं। मेरे कल रिपोर्ट मैं कल दे के गया था अपने बच्चों की, तो फिर वो आज रिपोर्ट उसकी आई हो लेने आया हूँ, पर मैं सुबह से देख रहा हूँ कि ये टेस्ट नहीं कर रहे हैं और लोगों को बहुत परेशानी है बेचारों को। बहुत दूर दूर से लोग आ रहे हैं, जहाँ पर सुविधा बस की नहीं है वहाँ से पैदल चल चल के पता नहीं किस तरीके से उनको पीठ में लगा के भी लोग लाते हैं अपने बीमार आदमियों को, तो फिर यहाँ पर आके फिर उनके टेस्ट नहीं होते, फिर उनको उतना स्ट्रगल करना पड़ता है, फिर बेड नहीं मिलता, डॉक्टर एडमिट नहीं करते, बहुत सारी चीज़ें हैं। जिस तरह से आपने कहा कि कृष्णा डायग्नोस्टिक बंद होने के बाद परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारी जो अपनी जनरल लैब्स है वो बिल्कुल विधिवत पूर्वक चल रही है और हम जो कल्पना कर रहे हैं कि भाई संतुलित सुव्यवस्थित और स्वास्थ्य की जो हम परिकल्पना करते हैं
उसमें हम किसी भी तरह की कोताही नहीं आने देंगे। हाँ, कृष्णा डायग्नोस्टिक का कुछ ओवरड्यूज ऐसे चल रहा था, तो मेरे ख्याल से वो अभी एट प्रेजेंट नेगोशिएशन चल रही है, अभी वो मीटिंग चल रही है, जो भी मीटिंग के बाद सामने आएगा तो आपसे अवगत करवाया जाएगा। लेकिन जहाँ तक मरीजों की बात है, मरीजों को किसी भी तरह की परेशानी नहीं आ रही। वैसे इन पे भी क्या एस्मा लागू होता है? जितने भी हस्पताल के प्रीव्यू में, जितने भी हेल्थ सर्विसेज के प्रीव्यू में जो भी चीज़ें आती हैं, वो एस्मा तो सभी पे लागू होता है। लेकिन जो एसेंशियल मेडिकल सर्विसेज एक्ट है, ये सभी के लिए है।